When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. देश की आर्थिक ताकत का लोहा दुनिया के तमाम देश और रेटिंग एजेंसियां मान रही हैं। भारत की आर्थिक ग्रोथ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वैश्विक सुस्ती के बावजूद रेटिंग एजेंसियां भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ा रही हैं। ताजा बढ़ोतरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने की है, जिसने भारत की विकास दर का अनुमान 2023-24 के लिए 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। फिच के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में मजबूती और छोटी अवधि में मोमेंटम की वजह से भारत के आर्थिक ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया गया है। महज 3 महीने में ही फिच रेटिंग्स ने भारत की ग्रोथ को लेकर यूटर्न ले लिया है। इससे पहले मार्च में फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान 6.2% से घटाकर 6% कर दिया था। इस बढ़ोतरी की वजह से फिच ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI में आई तेजी के साथ साथ वाहनों की बिक्री में हुई बढ़ोतरी को बताया है। इसके साथ ही क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा होने से भी विस्तार योजनाओं में तेजी आने का भरोसा जताया गया है। जनवरी मार्च तिमाही में अनुमान से बेहतर विकास दर रहने और महंगाई के घटने से फिच रेटिंग्स ने अपने अनुमान में ये इजाफा किया है। जानकारों का मानना है कि भारत की विकास दर के अनुमान में आई तेजी भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का नमूना है। 3 महीनों में आर्थिक हालत में जिस तरह से बदलाव हुआ है, उससे फिच को अपना फैसला पलटना पड़ा है। मार्च में फिच ने कहा था कि सुस्त ग्लोबल डिमांड के बीच बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरों की वजह से भारत की विकास दर का अनुमान घटाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद महंगाई में आई गिरावट के साथ ही आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी ने फिच को मजबूर कर दिया कि वो भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ा दे। इसके साथ ही फिच ने आने वाले कुछ वर्षों के लिए भी भारत की ग्रोथ में तेजी बने रहने का भरोसा जताया है। फिच के मुताबिक 2024-25 और 2025-26 के दौरान भारत के आर्थिक ग्रोथ की रफ्तार 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। इसके पहले 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ 7.2% थी और 2021-22 में 9.1% थी। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि लगातार 2 तिमाहियों तक कम रहने के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बूस्ट मिला है, जबकि फार्म आउटपुट में बढ़ोतरी देखी गई है। खर्च के लिहाज से देखें तो घरेलू डिमांड में सुधार और कुल कारोबार बढ़ने की वजह से GDP में एक ग्रोथ देखने को मिली है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।